खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबरदार, न्यूजफुल इंडिया में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। मुंबई में अंबिवली स्टेशन के पास लोकल सर्विस पर असर पड़ा है और यह असर पड़ा है बिजली न होने की वजह से, जिसकी वजह से एक ट्रेन पिछले आधे घंटे से रुकी हुई है। ओवरहेड वायर में बिजली नहीं है जिसके चलते लोकल सेवा प्रभावित हुई है। तो देखिए, मुंबई में लोकल ट्रेन ही आम जन के लिए सब कुछ है, ये प्रभावित हुई है अंबिवली स्टेशन के पास। हम आपको बता रहे हैं, बिजली ना होने से पिछले आधे घंटे से एक लोकल ट्रेन एक ही जगह पर खड़ी हुई है, ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे जा पा रही है, और इससे हो सकती है आम लोगों को परेशानी। तो मुंबई में लोकल ट्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां ओवरहेड वायर में बिजली नहीं होने से अंबिवली स्टेशन पर पिछले आधे घंटे से एक लोकल ट्रेन अटकी हुई है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं खबरदार न्यूजफुल इंडिया में, जहां मुंबई में लोकल सेवा प्रभावित हुई है, आधे घंटे से एक लोकल रुकी हुई है अंबिवली स्टेशन के पास। अक्षय भाटकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अक्षय, और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, कब तक क्लियर हो सकती है ये लाइन, क्योंकि ये लोकल जो है ये आम जनता के लिए, मुंबई के लिए सब कुछ है, इसी से सारा चावल वो लोग करते हैं। सिर्फ लोकल ही नहीं, तो मुंबई में आने वाली पंजाब मेल की तरह जो प्रीमियम गाड़ियां हैं वो भी फिलहाल रुकी हुई है, क्योंकि ये जो अंबिवली स्टेशन के यहाँ पर एक लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ पर एक डंपर ने रेलवे ट्रैक के जो ओवरहेड वायर का जो पोल होता है उसको ही उसको डैमेज किया है। इसके वजह से ओवरहेड वायर का जो इलेक्ट्रिसिटी है पूरा थम गया है, पूरा रुक गया है। इसके वजह से ये जो दो तीन लोकल है वो भी रुकी हुई थी, लेकिन अभी मध्य रेल ने इसी जगह पर वो डंपर निकालने के लिए, साइड में करने के लिए एक ब्लॉक लिया था, वो ब्लॉक अभी पूरा हो गया है। थोड़ी देर के बाद ये जो ओवरहेड वायर का इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर एक बार शुरू हो जाएगी, उसके बाद ये जो लोकल है वो शुरू होगी। लेकिन फिलहाल आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है अभी तक ये लोकल लाइन जो है वो रुकी हुई है। कल्याण से कसारा आने वाली सभी लाइन जो है, पूरी लाइन जो है वो फिलहाल बंद है, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद ये लाइन फिर से शुरू होगी, ऐसे मध्य रेल ने कहा है। देखिए, मुंबई के बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे अक्षय, तो उनकी जानकारी के लिए अगर आप बता सके, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ये जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो डैमेज पहुंचा था एक पोल को जिसकी वजह से ये पूरी सेवा प्रभावित हुई है उसे ठीक कर लिया गया है, तो लगभग अब और कितना समय जिसके बाद ये लाइन क्लियर हो जाएगी? करीब अभी 5 से 10 मिनट में ये लाइन जो है वो शुरू हो जाएगी, ऐसे मध्य रेल ने कहा है। उनके ट्विटर हैंडल पर भी ये न्यूज आई है, और अभी मेरी कुछ अफसरों से भी बात होगी, उन्होंने भी यही कहा है, क्योंकि जो डंपर है, डंपर को बाजू में करने के लिए, साइड में करने के लिए मध्य रेल का जो ब्लॉक था वो भी पूरा हो चुका है। इस कारण अभी ओवरहेड वायर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अभी शुरू करनी है, वो अभी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय भाटकर, हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो कि आपको एक अच्छी खबर भी दे रहे थे कि देखिए, मुंबई में पहले लोकल सेवा प्रभावित हुई क्योंकि ओवरहेड वायर में बिजली नहीं जा रही थी, आधे घंटे से अंबिवली स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन रुकी हुई थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगले 5 से 10 मिनट बाद ये सेवा फिर से शुरू हो जाएगी।